Assalamu alaikum and welcome to DNA, Debate, News and Analysis. Debate badi aaj ke jo aaj High Court ka faisla aaya aur uske baad usko challenge kiya, phir uske baad ek aur faisla aaya jo ke amicably, jo ke reports aati hain ke चौधरी परवेज इलाही और हमजा शरीफ के कैंप्स ने उसको एमिकेबली एक्सेप्ट किया कि जी बिल्कुल ठीक है, ये आप 22 तारीख को 22 जुलाई को आप इलेक्शन दोबारा करवाएं, बड़ी अच्छी। लेकिन अफसोसनाक जो चीज़ है, एक तो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट के अब इनका जनाजा निकलेगा, फिर असद उमर ने जो गालियां निकाली हैं और जो गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट डज दैट मीन कि अगर आपके फायदे में एक डिसीजन आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट आपकी फेवर करेगा, दूसरे की आए तो दूसरी करेगा। दिस इज लाइक इम्प्लिकेटिंग द कोर्ट्स एंड पुटिंग देम इन अ वेरी एक मैं कहता हूँ एम्बैरेसिंग पोजीशन। कोर्ट्स जैसा मर्जी डिसीजंस दें आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन उस पर डिबेट करना, बातचीत करनी, आप एक गलत मैसेज देते हैं अपने लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और ओवरसीज पाकिस्तानीज को। इसीलिए आप देखें कि आपके कोर्ट्स जो है आपके किधर बैठे हुए, 137 के ऊपर बैठा हुआ है दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि आप लोगों की ये, मैं समझता हूँ, ये जो बदखोइयाँ हैं और गलत अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपको मॉनिटर करके भेज देते हैं डिस्पैचेस के अंदर। पर ये इस पर भी बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब हैं, जावेद इकबाल साहब हैं और हमारे साथ इफ्तिखार साहब आज ऑन अ वीडियो लिंक है बिकॉज इज नॉट वेरी वेल, बट इंशाल्लाह ही इज ऑन हिज वे गेटिंग बेटर। इनके भी तजिये बड़े ज़बरदस्त हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहा जा रहा है कि उनको इन्वाइट किया कि वापस आ जाए MQM के अंदर। आज मैं आपको एक न्यूज़ भी दे देता हूँ, यहाँ काफ़ी कुछ MQM के मेंबर्स हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो PMLN के साथ ज्वाइन करें और वो बड़े लिबरल माइंडेड जो है मेंबर्स हैं MQM के। ये 7 लोग हैं, इनके नाम भी मैं आपको दे दूंगा और ये कोशिश हो रही है कि ग्रुप बना के पहले मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब से बात हो और उसके बाद फिर ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास जाए और एक अपना एक ग्रुप बनाए। ये आपको मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा यहाँ जो एक मैं समझता हूँ जो एक ट्रेंड चल गया जी, महंगाई महंगाई। कल हमने प्रोग्राम में कहा था कि शायद 16 रुपये जाएगा लेकिन 14 रुपये बढ़ा है और ये हमारे पास जो फिगर्स आ रही हैं, पेट्रोल की 248.74 और डीजल 276.54। एक और चीज़ मैं आपको कह दूं इससे पहले कि बुखारी साहब आए, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे ये कीमतें टीवी पे नहीं अनाउंस करनी चाहिए थी, ये जो अनाउंसमेंट उन्होंने पेट्रोल की है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा क्योंकि इस पे बुखारी साहब भी बताएंगे क्यों। बुखारी साहब के पेट्रोल नहीं मिल रहा था, कल ये जावेद ने भी बात की पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप बंद हो गए कि क्या होगा क्या होगा क्यों। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से आपने बहुत सारी बातें एक साथ पूछ ली हैं, मैं कोशिश करता हूं उसी तरतीब से उनका जवाब देने की। पहले शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर असद उमर साहब ने जो गालियां दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यानी चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच कहता है कि हम हमजा शहबाज को वज़ीर आला 22 जुलाई तक मानते हैं और उनके नाम के साथ निगरान नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के गेट में खड़े होकर ये शख्स कह रहा है कि हम तो इसे नहीं मानते, ना खान साहब मानते हैं और ना ही वो लीगल तरीके से इलेक्टेड हैं। मुझे ये बताइए कि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में देखूं या सुप्रीम कोर्ट को एक पंचायत समझूं जो शायद PTI समझती है। वो एपेक्स कोर्ट का माहौल कम लगा और पंचायती माहौल ज़्यादा लगा, इसलिए कि जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ हुई, जिस तरह से एक तासुर पहले ये उभरा कि गालबन कोर्ट जो है वो गुंजाइश निकालना चाहती है PTI के लिए, और फिर हतमी तौर पर हमने देखा कि फैसला वही हुआ जो खान साहब ने एंडोर्स किया, उनसे पूछ के जो कुछ बाबर रवान साहब ने अदालत में कहा। कहाँ तो ये बात हो रही थी कि 1 से 2 दिन हम देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इतना बड़ा गैप नहीं दिया जा सकता, और कहाँ बात 22 जुलाई पर चली गई है। 22 जुलाई तक बेपनाह मवाद और होगा PTI के लिए इस मामले को, इस उलझन को और उलझाने के लिए। मिसाल के तौर पर ये कहा जाएगा कि जनाब हमजा साहब मदाखलत कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कहा जाएगा कि हमारे लोगों को हरास किया जा रहा है और बहुत कुछ। अभी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं क्योंकि इसके ऊपर गुफ्तगू तो अभी और मज़ीद होनी है, क्योंकि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसका ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान की सालमियत से हमेशा जुड़ता है, क्योंकि प्रेसिडेंट बनेंगे ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसले अब कर रही है। अब आ जाएं आप मिफ्ता इस्माइल साहब जो है, उन्होंने जो कौम के साथ खिलवाड़ शुरू किया है उसका लगता है कोई एंड ही नहीं है।
यानी वो जितनी मर्जी उसकी वजूहात, जितनी मर्जी उसके जवाब पेश करें, कौम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी आम आदमी की वोकैबुलरी में वो कोई बददुआ होगी या वो कोई दुष्नाम तराजी होगी जो वो नहीं कर रहे हैं इनके बारे में, इसलिए कि ये कभी हमने पूरी 75 साल की तारीख में सुना नहीं था कि 30-30 रुपए एक हफ्ते में दो दफ़ा और फिर उसके बाद 15 रुपए तीसरी दफ़ा, यानी ये 248 रुपए का पेट्रोल मिलेगा एक लीटर, ये कोई मानने के लिए सोचने के लिए तैयार नहीं था। और किस ढिटाई से ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये सब कुछ करके और फिर ये तवक्को रख रहे हैं कि वहाँ उनसे तावन करें, और ये भी नहीं कह रहे कि ये बस आखिरी दफ़ा बढ़ गया, अभी तो मज़ीद उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोलना है। वो खुदा के वास्ते आपको क्या क़यामत आई थी ऐसी सूरत हाल में आके हुकूमत संभालने की? इसको पंजाबी ज़बान में तो कुछ और कहते हैं लेकिन मैं इसको ज़रा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ज़बान में कहता हूँ कि और ले मज़े हुकूमत के, हुकूमत के मज़े लेने के चक्कर में आपने कौम की ऐसी तैसी कर दी है, उसको किसी काबिल आपने नहीं छोड़ा है। ये अपनी जगह हकायक हैं। इस पर्दे में आप कब तक छुपेंगे कि जनाब वो उन्होंने मुआहदा कर लिया था? भाई उन्होंने मुआहदा कर लिया था तो आप तोड़ देते ना इस मुआहदे को, अगर नहीं तोड़ सकते थे तो हुकूमत में ना आते, हुकूमत में आए तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। अच्छा इफ्तिखार साहब ये बताइए, ये जो बुखारी साहब ने बात की है वो उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाजों में कहा है, क्या इसकी ये नहीं कहावत हो सकती कि आप बैल मुझे मार, एक, और दूसरा अब आपका ईद तो आ रही है, अब जब ईद आ रही है तो क्या एक बकरा स्पेयर रखें आप, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो एक बकरा आना और एक बकरा जाने पर होगी इस्लामाबाद और लाहौर पर, ये आपकी महंगाई है इस वक्त, इसमें मुझे बताएं। और ये जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो बुखारी साहब ने किया, जरा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें प्लीज। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, मैं इतफाक करता हूँ बुखारी साहब से कि वो कोशिश उन्होंने की पंचायत के तौर पे बिहेव करें, उन्होंने लोगों को तलब किया, उनको रोस्टरों पे बुलाया और उनसे उनकी ख्वाहिशात पूछी। परवेज रई साहब ने कहा कि मैं तो इसको मानता ही नहीं चीफ मिनिस्टर, और बाबर अवान ने भी बाद में जब परवेज रई मानने को तैयार हो गए तो बाबर अवान ने कहा कि हम तो उसको तस्लीम ही नहीं करते बतौर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, मुझे बात करनी होगी इमरान खान साहब से। अब ये सवाल है कि क्या अदालती निज़ाम में इस बात की इजाज़त दे दी जाएगी वकला को इस तरीके से वो अपने जो पार्टी लीडर्स हैं उनसे मुशावरत करें और फिर पार्टी लीडर्स ने जो बयान उनको लिख के दे दिया हो उसको वो अदालत में पढ़ना शुरू कर दें और उस बयान से ये जाहिर करें कि ये जो आदमी चीफ मिनिस्टर है ये अच्छा आदमी नहीं है, ये खराबी पैदा करेगा, ये इलेक्शन को रिग करना चाहता है, ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी को इस्तेमाल करना चाहता है, और ये भी कह दिया जाए कि हमें इलेक्शन कमीशन पर भी इतमाद नहीं है। तो ये चाहते क्या हैं? मगर एक बात आज क्लियर हो गई है मेरे लिए और मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, ये चाहते हैं कि अगर ये नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है और ना ही पाकिस्तान के किसी निज़ाम को तस्लीम करते हैं। अब ये बात करनी, इफ्तिखार साहब ये जो आप बात कर रहे हैं वो अगर नहीं तस्लीम करते तो 22 जुलाई तक आप हेडलेस रखेंगे पंजाब को विद नो गवर्नमेंट या और इंटरिम का क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये सवाल आपका अच्छा है, ये सवाल अच्छा और ये सवाल बड़ा बुनियादी सवाल है। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ दिस इलेक्शन, इसका मतलब जब कभी भी बाई इलेक्शन हुआ करेंगे तो उन बाई इलेक्शन के दौरान अगर सूबे में हो रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर अख्तियार छोड़ के घर बैठ जाए और अगर मरकज में हो रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर अख्तियार छोड़ के घर बैठ जाए, ये कौन सी रवायात को हम जन्म दे रहे हैं? और ये भी कहा आज कि इस चीफ मिनिस्टर की पावर्स को महदूद कर दिया जाए इस दौरान, ये पार्लिमानी निज़ाम का मजाक है या पार्लिमानी निज़ाम को तस्लीम करना है? मेरा ख्याल है हमें सब लोगों को सोचना चाहिए कि मामला किधर जा रहे हैं। मसलन ये मान लिया गया जब उसकी तरफ से, परवेज की तरफ से, तो बाबर ने कहा कि हम मानते नहीं इस बात को, मुझे नहीं समझ आ रही हम क्या चाहते क्या है। क्यों जी, जावेद साहब क्या चाहते हैं? वी वांट टू एस्टैब्लिश के वन इंडिविजुअल इमरान खान विल रूल दिस स्टेट, अपने घर में बैठ के जो फैसला करेगा उसको अदालतें भी मोहतरम समझेंगी, उसको अफवाज पाकिस्तान भी मोहतरम समझेंगे, उसको बाकी इदारे भी मोहतरम समझेंगे। ये तो मुझे नहीं समझ आ रही किधर हम जा रहे हैं। क्यों जावेद साहब, इन्होंने अभी जो बात की है इफ्तिखार ने, इनको समझ नहीं आ रही, पूरे मुल्क को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इमरान वेदर वी लाइक इट और नॉट ही विल हैव अ प्रेजेंस इन द नेक्स्ट असेंबली वेदर विनिंग और लूजिंग, तो क्राइसिस तो यही आपकी फिर कंटिन्यू करेगी ना आगे।
पीजे, पिछले 3.5 महीने से जो इस वक्त हम के साथ हो रहा है वो उसकी भी रिफ्लेक्शन आज आपको उसकी एक एपिसोड नज़र आई है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि आईन कानून की बालादस्ती और आईन और कानून के तहत फैसले करना, ना के फैसले करना कि किसी को पसंद है या ना पसंद है। और पीटीआई का जो आज आपको मौकफ सामने आया, मैं तो परेशान हो गया हूँ कि ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट में तो चली गई है, उनको पता ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से चाहते क्या हैं। इमरान खान और इस्लामाबाद के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी ख्वाहिशात कुछ और हैं, महमूद और रशीद और पंजाब के पॉलिटिशन की ख्वाहिशात कुछ और हैं, बाबर अवान किसी और से मशवरा कर रहे हैं, उनसे मशवरे ले रहे हैं, और उससे भी बढ़ के उनका अपना कैंडिडेट परवेज अलाई की ख्वाहिश कुछ और है। मैं ये समझता हूं कि इन ख्वाहिशात, 4-4, 6-6 ग्रुप्स की ख्वाहिशात के साथ पीटीआई को तो किसी मुखालफत की जरूरत ही नहीं है, और जिस किस्म का उन्होंने आज बिहेव किया, और मैं इस बात पे बड़ी माजरत के साथ मैं इस चीज को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि आप कोई भी शख्स है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे आसिफ जरदारी है, या कोई भी है, किसी की ख्वाहिश या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला नहीं होने चाहिए। इस मुल्क को अगर गवर्न होना है तो वो आईन और कानून के ऐन मुताबिक और उसकी बालादस्ती के तहत होना, चाहे किसी को सजा देनी पड़ती है, किसी को अंदर करना पड़ता है, या किसी को छोड़ना पड़ता है। इलेक्शन एक आपने 22 जुलाई को किसी की मर्जी से कर दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन पॉइंट ये कि आपने इतने सवालात दे दिए और ऑनस भी डाल दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा जो सबसे बड़ा है, कि आपने 22 जुलाई का कुछ चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा और जो आगे जिमनी इलेक्शन आ रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो बुखारी साहब बात कर रहे थे उसमें क्या होना है, उसमें पैसा चलेगा, फिर इल्जाम लगेगा, फिर तबादले होंगे, फिर इल्जाम लगेगा, फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, फिर इल्जाम लगेगा, फिर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, इलेक्शन कमीशन किधर है, फिर अदालतें। ये हम जुडिशियल एक्टिविज्म से निकल के हम अपने सियासी मामलात को शॉर्ट ऑफ दैट क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर रहे, हम अपने मुल्क और अवाम को सोच ही नहीं रहे कि अवाम किस तकलीफ में है, किस लेवल पर जा चुके हैं, हमें किसी को इख्तदार की पड़ी हुई है। मैं तो हैरान हूं, एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई भी सुन ले और नून भी सुन ले। अच्छा जावेद, जमहूरियत में पीजे आखिरी बात, जमहूरियत में नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स से फैसले, एक सेकंड पीजे यार बात तो मुकम्मल कर लेने देना, इलेक्शन में जब भी होगा नंबर ऑफ वोट्स के साथ फैसला होगा। जिस जिसकी ये ख्वाहिश है ना कि 16 या 17 के इलेक्शन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी और उसके बाद आप किसका दरवाजा खड़काएंगे। बुखारी साहब, इनकी तो हमने सुन ली अपने ऑब्जर्वेशन, अब आप मुझे बताएं, इन्होंने कहा जी कि पैसे चलेंगे, ये चलेंगे, ओके, ये ऑर्डिनरीली नहीं चलते, ये कोई नई चीज है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, तो हम किस दुनिया में नहीं करना, किसने खत्म करना। नहीं नहीं, जो जो जावेद कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अब तक मामले को जिस तरह लटकाया गया है, इसको मजीद लटकाने के लिए बेपनाह तावीलात जो है वो घड़ भी ली जाएंगी और पेश भी की जाएंगी, वो उस तरह मैं ठीक बिल्कुल ठीक बात है। फिर आप दरवाजे खड़काएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, इलेक्शन कमीशन के, इस कौम को इसी चक्कर में रखना आपने, इनके मसाइल हल नहीं करने, ये किस नहर से गुजर रहे ये नहीं सोचना किसी ने। ये जरा इफ्तिखार साहब को भी आने दें जी बीच में, जरा जी इफ्तिखार साहब। पीजे जावेद ये कह रहा है कि जिस तरीके से जो आज उन्होंने अंदाज फैसले के बाद अपनाया है वो आपने सुना है, वो किसी चीज को नहीं मानने को तैयार। उन्होंने साफ कहा है कि हम तस्लीम ही नहीं करते हमजा शहबाज को, और यही उनकी सारी खेल है। नहीं तो सर फिर आप एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। खान साहब, मैं अगर आप इजाजत दें एक जुमले की, मुझे हम तीन बंदे मिलकर पीजे को नहीं समझा पा रहे तो खान साहब को कौन समझाएगा, मुझे बताएं। नहीं सर, समझाने की बात नहीं है, आपके पास एक बड़ी स्ट्रेट चीज है, आप क्या एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, फिर आप मुझे बताएं पीजे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको एनर्जी से कौन बचाता है, आपका आईन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, आपके फैसले बचाते हैं। अगर फैसले इस तरह मशवरों से होंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। क्यों, बात यह है
कि आज जिस किस्म के मसाइल उठाए बाबर अवान ने, इमरान साहब का जो पैगाम दिया सुप्रीम कोर्ट को, वो कौन है इमरान खान इस किस्म का पैगाम उनको देने वाला? उसने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठाया, उसने आईजी के कंडक्ट पर सवाल उठाया, चीफ सेक्रेटरी के कंडक्ट पर सवाल उठाया, जिन हलकों से इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे होने वाले काम के हवाले से सवाल उठाया, जिसका अगरचे चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि तो इलेक्शन कमीशन के जाब्तों का इतलाक होता है और इलेक्शन कमीशन को हम हदायत करेंगे कि वो अपने जाब्तों के मुताबिक चीज़ को चलाए। लेकिन आज एक बात जो असद ने कर दी 12 को, उससे मैं तो बड़ा क्लियर कि इस मुल्क में वो नहीं चाहते कि पार्लियामानी डेमोक्रेसी रहे। वो उस पार्लियामानी डेमोक्रेसी को मानने को तैयार होंगे जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर हों, वो चीफ मिनिस्टर हों, उनकी हुकूमत, वो किसी भी हुकूमत को खा वो वोटों के लिए भी आए वो नहीं मानेंगे। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक ले। बिल्कुल इफ्तिखार सही कह रहे हैं, लेकिन ये सच्ची बात है कि जो भी हुकूमत आपने 70 साल से देख लिया है, यही नारे चलते रहे डिफरेंट टोन्स के अंदर, डिफरेंट पेजेस के अंदर, डिफरेंट किताबों के अंदर, यही चलता रहा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने पार्लियामानी जमहूरियत को मानने से और पार्लियामानी जमहूरियत के नतायज को ऐसा मानने से इनकार किया। अंदर अदालत ने फैसला किया, बाहर आके ये क्या कह रहे हैं? ये सर डिनाइल में है, तो डिनाइल में तो आप नहीं निकाल सकते ना किसी को। और बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। मैं एक चीज से तो बिल्कुल, जो अपने बुखारी साहब और इफ्तिखार बात करते हैं, जावेद भी करते हैं कि देखो हम माजी को छोड़ दो, अब आगे चलो, अब आगे चलना है। ये बिल्कुल सही कहा बुखारी साहब ने अपने प्रोलॉग के अंदर, ओपनिंग स्टेटमेंट में, एनालिसिस में, ये कब तक के छोटे 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 झटके हम देते रहेंगे? तो बुखारी साहब, ये झटके कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ रुकेंगे, क्योंकि लोग तो चीखें मार रहे हैं। हाँ, मतलब है 2-3-4 बातें करने की मुझे इजाज़त दे दें। एक तो जो अदलिया है हमारी, और आला अदलिया जो है, वो चूँकि ऐसे रूल्स और ऐसे रेगुलेशंस और ऐसे फैसले करते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं या उसको इंटरप्रेट करते हैं जिससे आने वाली नस्लों को रहनुमाई मिलती है, लेकिन वो बकौल फैज़ अहमद फैज़ के कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते थे? अगर आपको एक बात समझ आ रही है तो फिर उसके लिए मशवरे करने का टाइम देने की बजाय आइन को सामने रख के फैसले कर देने चाहिए। ये रवायत इसलिए पड़ी है कि 25 मई पे मैं ले जाता हूँ, 25 मई पे हुकूमत वक्त ने तो वायलेंस को रोकने के लिए इकदाम कर लिए थे, तो गुंजाइश किसने निकाली? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आके F9 पार्क पर रुक जाएंगे। खान साहब ने कहा वो कौन है भैया आप लोग मुझे रोकने वाले, मैं तो जाऊँगा रेड जोन में, और उन्होंने कोशिश की रेड जोन जाने की, कोई पूछने वाला नहीं है उसको, किसी ने नहीं कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने की है। तो जब उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था, फिर वो जो उनका दिल चाहे वो करते रहे, कौन होता है रोकने वाला? वो अंपायर को उस वक्त तक ठीक कर रहे थे जब तक साथ था वो, जब वो साथ नहीं रहा तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल के बाद अगला नाम क्या देंगे वो उनको, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें, क्योंकि वो न्यूट्रल कह के जो तस्दीक कर रहे हैं इस मुल्क की अफवाज की और उसकी लीडरशिप की, वो किसी को ना समझ आती हो तो वो अलग बात है। पेट्रोल का बताएं ना, पेट्रोल का क्या करें? मैं आ जाता हूँ उस तरह भी, मुझे जरा थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लेने दें। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया बावजूद इसलिए कि उसके ऊपर दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज के फैसले आ चुके, एलामिया आ चुके, पार्लियामेंट की कमेटी 2 दफ़ा उसको रिव्यू कर चुकी, 3 दफ़ा जनरल लेवल का एक बंदा आके एक्सप्लेन कर चुका कि कोई साजिश नहीं है, इसके बावजूद तकाजा किया जा रहा है कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाएं। आपने बयानात सुने होंगे PTI की लीडरशिप के इसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब वो इससे आगे कहाँ तक जाएंगे ये थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, वो जाएंगे ज़रूर इससे आगे। अब आ जाइए जनाब आपके दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, गुजारिश ये है, मैं पहले मातम कर चुका हूँ, मरसिया भी मैंने पढ़ दिया है मिफ्ता इस्माइल साहब का। ये हकूमत को, जो इस वक्त की हुकूमत है, सब पता था कि क्या होगा अगर हम इस वक्त हुकूमत में आए। क्या विजडम थी, क्या डर था, क्या वो इमरान खान के इस नारे से डर गए थे कि मैं सबको जेलों में भेजूँगा? तो जेलों में भेजने के डर से अगर आपने सियासत करनी है तो फिर आप और कुछ कर लें, लंदन में जहाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, बाकी सारे भी वहीं चले जाएँ, वहाँ जाके बैठे, दैट इज़ अ सेफ हेवन्स।
तो अगर आपने सियासत करनी है तो ये सब कुछ आपको झेलना भी पड़ेगा और ये सब कुछ आपको समझ के उसके मुताबिक फैसले भी करने पड़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब शायद इस गवर्नमेंट का कुछ ना कर सकें, अदालती फैसले भी शायद इस गवर्नमेंट को घर ना भेज पाएँ, लेकिन अवाम की ज़िंदगी जितनी अजीरन कर दी है इन्होंने, वो इनको घर भेज देंगे। इसके बारे में इनको कोई भाम हो तो हो। मैं तो एक वाक्या याद करता हूँ तो लर्ज जाता हूँ कि चार आने चीनी महंगी हुई थी तो अयूब खान जैसा डिक्टेटर घर चला गया था। इनकी तो खैर मजाल ही क्या है। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि कीमतों का जो बढ़ना है और जिस रफ्तार से बढ़ना है, और ये बात एस्टेब्लिश है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान में हर इस्तेमाल की चीज़ जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ये लोग कैसे सस्टेन करेंगे इन्हें? ये IMF के साथ मुआहदा अवाम ने किया है, ये IMF की वजह से कीमतें अवाम ने बढ़ाई हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? उनको पिसने के लिए लावारसा छोड़ दिया है। है कोई आदमी इस वक्त हुकूमत के अंदर या अपोजिशन के अंदर जो दिल से दर्द दिल से इनकी बात कर रहा हो? हर एक को अपनी सियासत की पड़ी हुई है और लोग जो हैं वो सरकार के ऊपर दलील हो रहे हैं। एक तो चीज है कि जब आपने जनरल अय्यूब की बात की है 68 में, क्या नारा था? सबसे पहले गंदा नारा लगा था अय्यूब फ्ला फ्ला, और उन्होंने वो सुन के गवर्नमेंट छोड़ दी थी अपनी, सिर्फ वो अल्फाज सुन के। क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह से, बिल्कुल आप ठीक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे नाम के साथ ये अल्फाज आपने लगाने हैं तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत पे। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, बिल्कुल सही कहा। अब ये मुझे बताया, देखें IMF जो है ये तो इमरान से पहले की आई हुई है ना, हम तो सारा अभी इमरान पे डाल देंगे फिर उसके बाद इस पे आज की हुकूमत पे डाल देंगे, ये तो एक लॉन्ग ऑनगोइंग एनिग्मा है पाकिस्तान। देखें एक जुमला मुझे इजाजत दीजिए, देखें गुजारिश ये है कि हम ये भी नहीं कर सकते कि सारा मलबा इमरान खान साहब पर से उठा के वो भी इनके ऊपर थोप दें। कोई दो राय नहीं है कि ये मुआहदा 175 सफ़े का जो है वो इमरान खान की हुकूमत ने किया था, और जो वो तरीन साहब जो हैं, इशरत तरीन, शौकत तरीन साहब जो हैं, उन्होंने किस बबांगे दुहल अंदाज में आके बताया था कि वो मुआहदा कर रहे हैं, और अब किस ढिटाई से उस मुआहदे के तहत बढ़ने वाली कीमतों में कहते हैं कि देखिए इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। जब तक हम अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक हम अपनी पॉलिसियों को बनाते वक्त अवाम का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये इसी तरह से सिसकती रहेगी अवाम, और ये इसी तरह से अनपॉपुलर डिसीजन होते रहेंगे। पीजे क्यों जी, इफ्तिखार साहब, आई एग्री विद बुखारी साहब इन टोटल, जो उन्होंने कहा दुरुस्त कहा। गवर्नेंस मेरा ख्याल था साबित करेगी अपना मौजूदा हुकूमत, लेकिन अभी तक मैं नहीं देख रहा कि ऐसी गवर्नेंस कहीं आई है, और गालिबन उसकी वजह यह है कि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है उससे इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्टी कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी बिल्कुल सही अपने आप को इस किस्म के मुश्किल में डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको कोई पता नहीं कि आने वाली कल को यहाँ पे कौन होगा और कौन नहीं होगा। खान साहब नाम ले लेके, उदों के नाम ले लेके इमरान खान साहब ने धमकियां दी हैं परसों, तो इसलिए है कि अगर देखना जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो तो मजिस्ट्रेट जो है वो कंट्रोल करते हैं, और मजिस्ट्रेट ये सोच रहा है कि मैं जाके सख्ती करूँ एक दुकानदार पे और कल वो दुकानदार PTI का हामी हो तो मेरा क्या असर होगा। तो जितनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर, इससे तबाही में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें, डीजल की कीमतें, गंदम की कीमतें, घी की, आज घी की कीमतें कुछ बेहतर हुई हैं, कुछ 7-1 रुपया किलो का फर्क पड़ा है क्योंकि मलेशिया से कुछ तेल आया है, लेकिन ये वो तेल है जो होटलों वगैरह में इस्तेमाल होता है, घरों में नहीं होता। अब सवाल है कि जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, मतलब मैं तो हैरान रह गई हूँ, वैसे मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और उस फैसले में जो लफ्ज बाहर आके इस्तेमाल किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही इज अ चीफ मिनिस्टर, ही विल कंटिन्यू टू बी द चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ही विल स्टे देयर एज अ चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने आते ही उसको गाली देनी शुरू कर दी। ऐसे ऐसे जो सूरत हाल पैदा हो रही है ना, इसको ज़हनी अनार्की कहते हैं। एक अनार्की होती है कि आप हथियार उठा लें, लोगों के घरों को आग लगानी शुरू कर दें, जलाओ घिराओ करें, एक अनार्की है ज़हनी। जब ज़हनी अनार्की हद तक चली है तो जो नफाज करने वाले इदारे वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या करे क्या ना करे। बिल्कुल ठीक है, नहीं पीजे, जो मेरे मुल्क में सूरत हाल पैदा हो रही है ये मेरे मुल्क की
बुनियादों को हिला दे। ठीक है रहे आप, ये बी एस जावेद जो खासा बात करें, एक तो पॉलिटिकल बदतमीजी इतनी बढ़ गई है और वो भी आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर के दरवाजे पे कर रहे हो, हम मैसेज क्या दे रहे हैं यार, प्लीज मुझे बताएं आप। मैसेज किस चीज का मैसेज? ये वो हुकूमतें हैं और ये वो लीडर्स हैं इस वक्त जो पॉलिटिकल अरीना पे बैठे हैं, जिनका ताल्लुक अवाम से नहीं है। ये लोग अवाम से बेगर्ज हो चुके हैं, बिल्कुल अवाम से ला ताल्लुक हो चुके हैं। ये सिर्फ इक्तदार के हवारी हैं। ये हुकूमत जब आई थी, एक सेकंड इफ्तिखार साहब, जावेद एक बात सुन लो, फिर जो मर्जी कहना। जावेद ये लातलक हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये कामयाब नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरीके का रवैया एक सियासी पार्टी ने इन लोगों के बारे में अपना लिया है ना, वो रवैया आप सबको ले बैठेगा। उसी की तरफ तो इशारा कर रहा है जावेद भी। जी जावेद, आप लोग बोल लें सर। नहीं हो गया, नहीं बोले बोले, प्लीज कैरी ऑन। सर बात यह है कि मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस वक्त पॉलिटिकल अरीना पे जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी है, इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अवाम से सुबह से लेके शाम तक झूठ मारते हैं इक्तदार के लिए। इनका कोई अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लाज़र्स है। अगर इनका अवाम से ताल्लुक होता तो इस तरह बेहिसी के तौर पर ना पेट्रोल की प्राइसिस बढ़ाते, ना बैड गवर्नेंस करते। जो महंगाई का तूफान इस वक्त अवाम फेस कर रहे हैं, वो तूफान कभी भी ना आता। इनको अवाम से गर्ज होता। एक सेकंड पीजे, या आप बोलने या मुझे बोलने दे। नहीं, मैं आपको सवाल कर रहा हूं यार, आप इसका जवाब मुझे दे। आप आर्ग्यू क्या करते हैं? तो मुझे बात तो मुकम्मल कर लेने दे ना, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे, उसके बाद आप जो मर्जी सवाल करें। बात मुकम्मल नहीं होती, एक लाइन बोलता हूँ, आप सवाल शुरू कर देते बीच में। नहीं, आपकी कहानी रेपिटेटिव हो जाती है, प्लीज। तो फिर आप बोलना, मैं मेरे पास तो यही अल्फाज हैं, मैं तो ये कहूंगा कि बेहिस्त हैं ये लोग, इससे ज्यादा मेरे पास कोई रेपिटेटिव नहीं, जो मर्जी कर। अच्छा, कौन है ये बताए, कौन लोग हैं? तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप। मुझे कहां, मुझे बता दें, पिछले चार महीने से अवाम का दर्द किसको नजर आया? महंगाई का तूफान है, कर्जे लिए जाते हैं तो ढोल बजाए जाते हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ गए, कि इस मुल्क को पता नहीं क्या है, इन्होंने क्या लेके दे दिया। मुल्क को कर्जों तले दबाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अपने केसों से जान छूट गई है, इसलिए महंगाई का तूफान इस चीज की सजा दे रहे हैं कि जो गवर्नेंस कर, जो रिफॉर्म्स लानी थी वो उन्होंने कर ली हैं, इसलिए इस आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि जो इनकी ख्वाहिश थी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने की वो पूरी हो गई है। और खुदा का वास्ता है, इक्तदार से ज्यादा 22 करोड़ अवाम का सोचें। जो बुखारी साहब बात कर रहे थे कि ये अवाम नहीं रहेगी तो आपको इक्तदार में भी किसी चीज का नहीं रहेगा, इन्हीं के जरिए आप आते हैं। किस चीज से ताल्लुक है? उधर दूसरी तरफ पीटीआई को देख ले ना, वो किसी अदारे को खातर में लाते हैं। उन्होंने अदारों को टारगेट कर करके पाकिस्तान की सियासत में इतना बदनाम कर दिया है कि पूरी कौम सोचने पर मजबूर हो गई है। बिल्कुल ठीक, मुझे नहीं समझ आ रही कि चाहे हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, एक तरफ महंगाई का तूफान है, दूसरी तरफ अदारों को टारगेट किया जा रहा है, और ये लोग चाहते क्या इस कौम से? अगर आप लोग हुकूमत नहीं कर सकते तो भाई आईएमएफ को हुकूमत दे दो, वो हुकूमत चला लेगी आपसे बेहतर। जावेद अपना एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, इस आर्ग्यूमेंट में वजन है। इन्होंने कहा कि एंटायर लीडरशिप, इन्होंने किसी को नहीं किया है, वो कह रहे हैं कि एंटायर लीडरशिप जो है हमारी पाकिस्तान की, ये इसकी जिम्मेदार है जो कि आज आवाम सफर कर रही है। और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। एक तो देख लें कि हमारे जो नेबर्स हैं वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को रखें एफएटीएफ के अंदर, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाएं और हर किस्म की तरीके से, हर तरीके से ये फॉरेन गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करते हैं थ्रू अमेरिका एंड अदर्स के पाकिस्तानी नेशनल्स को एक्सपोज करें ताकि वो बिल्कुल डिफेम हो जाए। मैं नाम लेता हूँ, एक तो अभी आपने इस्लामाबाद पे जो ये आपके सामने जो आपके रिमार्क्स आए हैं इब्राहिम कोको के, उसके बाद आपके पास आसिफ हफीज है, 5 साल से रिमांड पे रखा हुआ है अंडर डीए और एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं। क्यों? कि सिर्फ एक आदमी का नाम ले, मैं अभी उस आदमी का नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ लीगल रीजंस, लेकिन वो कहते हैं कि इसका नाम लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और वो क्यों? ताकि लोगों को बताएं इंटरनेशनली
कि पाकिस्तान टेररिज्म के अंदर है। ये मैं आपको वो न्यूज़ दे रहा हूँ जो अभी किसी ने दी नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, ये जो हमारे हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद में जो इसकी ऑब्जर्वेशन है, इसका मुझे बताया। देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले तक जो है ना वो मजलिस पढ़ रहे थे कि जनाब ये देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या तमस्खर उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से उसको पंचायत में कन्वर्ट किया जा रहा है, किस तरीके से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किसी एक नुक्ते पे इत्तफाक करने के लिए तैयार नहीं है, किस तरीके से फ्लाउट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन ये जो मिसाल आपने दी है, जिसकी तरफ आपने मुझे इशारा किया है, एक थाईलैंड का बाशिंदा है, कोको इब्राहिम उसका नाम है, उसको 5 साल एक जाली मुकदमे में सज़ा हुई ड्रग्स के हवाले से, और वो अपनी सज़ा भोग चुका, उसके ऊपर 5 साल गुजर गए हैं लेकिन वो अभी तक जेल के अंदर है। ये हमारे निज़ाम इंसाफ का बाहर क्या मजाक उड़ता होगा, आप ज़रा मुझे बताइए। और ये मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ कि ये वाहद केस नहीं है। एक की तरफ तो आपने भी इशारा कर दिया ना, एक और जो एक्स्ट्रा जुडिशल के हवाले से आपने बात की थी। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ऐसे लोग न सिर्फ ये कि गैर मुल्की, इवन पाकिस्तानी लोग ऐसे पड़े हैं जिनके पास जमानत के पैसे नहीं होते और वो 6-6 महीने की सज़ा भुगतते हैं इसलिए कि 5,000 का मुचलका जमा कराने वाला उनका कोई नहीं होता। आप निकाल के देख लें, जहाँ के जेलों का सर्वे करा लें, आपको सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग मिलेंगे। बिल्कुल ठीक बात। ये क्या निज़ाम इंसाफ है? क्या किसी एक शख्स को एक दिन के लिए भी जेल में रखा जा सकता है उस जुर्म पर जो उसने नहीं किया हुआ? तो ये जो पूरे का पूरा निज़ाम है, इसके ऊपर बहुत सीरियस एस्पर्शंस हैं। अब ये तो एक मिसाल हमारे सामने आ गई है, लेकिन अदालतों में ऐसे बेपनाह केसेस पड़े हुए हैं। ये जो हम कैदियों का तबादला करते हैं हिंदुस्तान के साथ और पाकिस्तान के बीच, जो कभी ये जो हमारा जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें फ़िशिंग के लिए आ जाते हैं, चाहे उस हवाले से हैं, चाहे वो रास्ता भटक के बॉर्डर की इस लाइन पर आ गया है, या किसी ने वीज़े की वायलेशन की है और ओवरस्टे कर दिया है, उन लोगों को ह्यूमन तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उनके साथ इनह्यूमन एटीट्यूड, यानी हिंदुस्तान से बेपनाह कैदी आए हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका होता है इसलिए कि उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना आइसोलेशन में रखा जाता है। मेरे ख्याल से हमारी आला अदलिया के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि इस किस्म के तमाम केसेस को प्रायोरिटी के ऊपर डील करके, जिनका जिन्होंने अपनी सज़ा भुगत ली है, जिनका कोई जुर्म नहीं है, उनको जेलों में रखना इस्लाम की भी तौहीन है, इंसाफ की भी तौहीन है और एक रियासत की भी तौहीन है। बड़ी बात की आपने बुखारी साहब। जावेद और इफ्तिखार साहब, बल्कि इफ्तिखार साहब आप बताएं, पाकिस्तानी नेशनल पकड़ा जाता है, उसको 5 साल जेल में रखते हो, हमारी हुकूमत क्या करती है? अमेरिकन आपका रेमंड डेविस आता है, पूरी दुनिया हिल जाती है। ये क्या बात है, मुझे बताए ना, हम क्यों नहीं अपने रेमंड डेविस की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि फिर उन लोगों के नाम आएंगे जो रेमंड डेविस की सजा वाले दिन अदालत में बैठे हुए बाहर लोगों से रबते में थे, और जो शख्स रेमंड डेविस के सजा वाले दिन अदालत के अंदर बैठा था वो भी बहुत बड़ा नाम था। छोड़ें उसको, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपने इस बात पे खुशी का इजहार किया कि इत्तफाक राय हो गया, आपने खुशी पर इजहार किया कि अल्लाह का शुक्र है दो मुतजाद सोचों में बरादराना तरीके से मामला तय पा गए। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि आपकी इन तमाम कोशिशों का जो जवाब आप ही के फैसले के बाद दिया गया, और आपकी कोर्ट के गेट पर, और जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, और जो आपने तस्लीम किया है एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो आपने बात तस्लीम की है उसको जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, फ्लाउट किया गया है, चैलेंज किया गया है, ये अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं चाहे? जाहिर है जब सजाएं नहीं मिलेंगी तो फिर ये मामला तो होंगे। ये तो एक तरफ पीजे आप लोगों ने इशारा किया है, असल मसला इन हुकूमतों का, फिर मेरे से आप सब इख्तलाफ करेंगे, इन हुकूमतों का मेरा गिला सिर्फ एक है, वो है अवाम के रिलेटेड। अवाम रोजाना अदालतों में धक्के खाते हैं, उनके साथ क्या हशर होता है? अवाम रोजाना पुलिस स्टेशनों के धक्के लगाते हैं, SHO उनको किस तरह जलील करता है वो मुझे बताए। जिस तरह आपका रेवेन्यू का निजाम है, पटवारी पैसे लेके काम करता है, उस पर क्या काम हो रहा है? हेल्थ सेक्टर में आपके ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों से होती है, पावर सेक्टर में पोस्टिंग ट्रांसफर कनेक्शंस के लिए पैसा चलता है। और यार ये अवाम के रिलेटेड मसाइल हैं, इनको आपने हल करना है। और दूसरी तरफ जावेद, आपने इसका सवाल अभी सवाल ले ले, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, सवाल ले ले, जवाब आपने देना है। हुकूमत है पाकिस्तान,
अपने शहरियों को ये क्यों नहीं इंटरनेशनली डिफेंड करती, और 5 साल एक आदमी जेल में है और टॉप जेल में है और कोई बात ही नहीं करता? इसका जवाब आपने मुझे देना इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट तो बड़ी हीटेड है, क्योंकि ये जो जावेद जो बात कर रहे हैं, बात तो बड़ी सही है, कई लोगों को तल्ख लगेगी, लेकिन रियलिटी इज रियलिटी। तो ये जो मैंने आपसे सवाल किया था जावेद, जरा प्लीज इस पे एलैबोरेट करें मुझे। विजय, हमेशा हुकूमतों की प्रायोरिटी होती है। बदकिस्मती क्या है कि हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटी पाकिस्तानी अवाम नहीं है, ये बात समझने की है। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ इक्तदार रही है। ये चीज अब तक अवाम को क्लियर हो जानी चाहिए। अवाम इस खुशफहमी से निकल आए, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। जो भी हैं, चाहे वो फैसिलिटेटर हैं, चाहे सपोर्टर हैं, चाहे हुकूमतों में हैं, चाहे हुकूमतों से बाहर हैं, जिस दिन आपकी प्रायोरिटी अवाम हो जाएगी, मैं दावे से कहता हूं आपको पूरी दुनिया इज्जत भी करेगी, आप अपने शहरियों को तहफ्फुज भी देंगे, सब कुछ होगा। बात यह है कि आज सिर्फ एक बात आईएमएफ के रिलेटेड बड़ी जरूरी बात है, हमें आईएमएफ से जान छुड़ानी चाहिए। $34 अरब आपके रेमिटेंसेस हैं, $30 अरब की आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, $64 अरब इस वक्त पाकिस्तान में आता है। हम 1 या 2 अरब के लिए आईएमएफ के पीछे पूरे मुल्क का रगड़ा लगा रहे हैं। हमें नहीं लगाना चाहिए अवाम का रगड़ा, यह महंगाई के बचाना चाहिए इस अवाम को, अवाम बचेगी तो आगे मुल्क चलेगा। परफेक्ट इफ्तिखार साहब प्लीज। अगर इदारों की इज्जत होगी, अगर इदारों का एहतराम होगा, तो महंगाई वाला मसला भी हल हो जाएगा, लोगों को खुशियाँ भी मिलेंगी। अगर अदारे रिडिक्यूल किए जाएंगे, अगर अदारों के फैसलों की तोहिन की जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा, और कुछ ताकतवर लोग इस मुल्क को यरकमाल बना लेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल बुखारी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ये मुझे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का बताएं जरा प्लीज। बिल्कुल आपने ठीक सिम्त में सवाल किया है। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो भी बहुत ही तकलीफ देह है। तौहीन रसालत कोई मुसलमान जो है वो दुनिया के किसी तख्ते पर रह रहा हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुझे थोड़ी सी एक रिलीफ वो नज़र आया, वो ये कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान की, उसकी गैरत थोड़ी सी जागी है, और उसने नूरपुर शर्मा जो है उससे कहा है कि वो कौम से माफ़ी मांगे। सिर्फ ये कह देना आई एम सॉरी वो काफ़ी नहीं है, वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे। ये ना हुआ तो वहाँ जिस तरह की आग हिंदुस्तान में इस वक्त लगी हुई है वो आपके सामने है। और मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि अगर इसको जल्दी से सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की या हिंदुस्तान की हुकूमत इसको रिजॉल्व नहीं करती, तो ये आग और फैलेगी और हिंदुस्तान से बाहर तक भी जाएगी। लेकिन एक बात भी यहाँ कहे बगैर मैं नहीं रह सकता, मुझे डर है ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये स्टांस जारी रखा और इसी तरह का फैसला किया, तो ये आरएसएस और मोदी क्या बीजेपी के जो गुंडे हैं, ये कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसी तसी ना कर दें, क्योंकि वहाँ पर ये रिवाज पड़ चुका है कि जो आवाज़, जो लहजा, जो अंदाज़ आरएसएस को पसंद नहीं है, उस आवाज़ को उभरने नहीं दिया जाता। तो अल्लाह खैर करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान की, लेकिन इस स्टांस पर आप खड़े रहें और यकीनी बनाएं इसके कि इसके ऊपर दिल की गहराइयों से नूरपुर शर्मा जो है वो कौम से माफ़ी मांगे कि मैं आइंदा ऐसी जसारत और जुरत नहीं करूँगी। बिल्कुल सही कहा आपने बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। जावेद बुखारी साहब, प्रोग्राम खत्म होता है, आज का वक्त हो गया, बातें तो बहुत होती हैं। और जो एंड में बुखारी साहब ने बात की है, हिंदुस्तान में सारे बुरे लोग नहीं है, ये एक बंच आ गया है, एक ग्रो आ गया है जो कि पूरे हिंदुस्तान को बदनाम कर रहा है। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान में, और जिस तरह के पाकिस्तान में अच्छे बुरे हैं, वहां हिंदुस्तान में भी ऐसे हैं। लेकिन एक बंच जो आ जाता है, और जो बुखारी साहब ने जो जिसका मैं समझता हूँ इशारा किया है, अगर इसको आपने ना रोका अच्छे लोगों ने, तो हम पूरे दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि एक आप कह लो कि एक रिवोल्ट आ जाएगा। अल्लाह ना करे इस पोजीशन में हम चलें, हमें भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहना है, सारी दुनिया के साथ रहना है। कल दोबारा आपके सामने दोबारा आएंगे 8 बजे, और नई डिबेट, नई कहानी, नई एनालिसिस, ये सब हम लेते रहेंगे। अंटिल देन, लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।